टू बी क्लास आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का एक्सप्लेन टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है एग्ज़ाम और इवेल्युएशन करनी या ऑब्जर्वेशन करनी कि कोई काम किस तरह से किया गया है उसकी टेस्टिंग करनी, यही आ जाता है टेस्ट में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जॉब में उसी जगह पर ट्रेनिंग ना मिलके दूसरी जगह पर जाके ट्रेनिंग लेना, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। टाइम वेज कहते हैं कि टाइम के हिसाब से किस तरह से वेज मिलती है कि जितनी घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से जो वेज दी जाती है उसे कहा जाता है टाइम वेज। टाइम वेज का फार्मूला है टाइम स्पेंट इनटू रेट पर यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट आता है पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम उसको कहते हैं कि कितने पीस तैयार किए गए, जितने एक दिन में पीस तैयार किए जाएंगे उसके हिसाब से वेजेस मिलती है। जैसे अगर एक टेबल बनाया उसका 150 मिलता है, तो दो टेबल बनाए हैं एक दिन में तो 300, उसको कहते हैं पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम का फार्मूला है पीस वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज हालसे प्लान। हालसे प्लान के में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम करता है तो उसको उसकी वेजेस के साथ कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इंसेंटिव देना जो है वो क्या हो गया कि व्यक्ति ने काम कितनी जल्दी से ख़त्म किया है। तो इसका फार्मूला है ई इजकल टू टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी इंटू आर इंटू 50%। मतलब जितना टाइम वो सेव करेगा उसका 50% उसको बोनस दिया जाएगा। ये हाल से प्लान में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम से पहले जितना टाइम उसको काम करना था उससे पहले अगर कोई काम कर लेता है तो उसको उसका 50% बोनस भी दिया जाएगा। तो टी का सिंबल जो है टाइम टेकर, आर मीन रेट पर आर, तो एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइम। तो ये था टॉपिक बेटे जो स्टाफ